मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, माने ने ये बात सबके सामने तस्लीम क्यों नहीं की? इसलिए क्योंकि मैंने मुमानी का वो चेहरा देखा है जो वो कभी किसी के सामने नहीं आने देंगी। मैंने उनको काला जादू करते हुए देखा है। आप भी काला जादू? क्या बोल रही हो, क्या हो गया तुम्हें? अभी मैं सच बोल रही हूँ, मुमानी काला जादू करती है। मैंने मैंने उनको अपनी आंखों से देखा है। आप भी, और आप मेरी बात पे यकीन ना करें, इसलिए हुआ ही थी और यहाँ पे आपके सामने मुझे गलत साबित करके गई है। मैं सच बोल रही हूँ, अभी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। किस तरह की बकवास कर रही है तुम मेरी माँ के बारे में? हाँ, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? राशिद भाई, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से मुमानी को अमलियात करते हुए। खबरदार, एक भी लफ्ज निकाला ना अपने मुंह से मेरी माँ के खिलाफ, तो जबान खींच लूंगा तुम्हारी मैं। राशिद, कैसे बात कर रहे हैं आप ये मेरी बहन से? ये मुझे नहीं, अपनी बहन को समझाओ। मेरी माँ के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही है, एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं उनके बारे में। ये तुम भी कान खोल के सुन लो। सारा, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मुमानी जान बिल्कुल भी ऐसी नहीं है जैसा तुम उनको समझ रही हो। आइंदा तुमने मुख्यमंत्री के से कोई बात नहीं करनी। क्या कह रही हूँ मैं, मेरी बात सुन रही हो ना तुम? समझ आ रही है तुम्हें? मैंने कहा था जारा को मेरे साथ नहीं भेजिएगा, मगर आपने जिद करके उसे मेरे साथ भेज दिया। अब देख लिया ना अंजाम क्या हुआ। जरूरी था। बहुत जरूरी था ऐसा करना। क्या जरूरी था? जारा को निम्रा के सामने झूठा साबित करना। जारा ने मुझे अमल करते देख लिया था। सोचो तुम, अगर जारा ये बात निम्रा को बताती तो वो फौरन यकीन कर लेती। अब जब मैंने जारा को निम्रा के सामने झूठा साबित कर दिया है तो वो इसकी किसी बात पर यकीन नहीं करेगी। जारा को झूठा समझेगी। अम्मी वो सब ठीक है, मगर मेरी और जुनैद की शादी, उसका क्या होगा? वो तो अपनी माँ पर छोड़ दे। तेरी शादी होगी तो सिर्फ जुनैद से होगी। मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? पता नहीं अम्मी आपके दिमाग में क्या क्या चलता रहता है। समझ से बाहर है। कर भला, हो भला। जारा, ये क्या कर रही हो तुम? मुझे यहाँ नहीं रहना, गलती होगी जो मैं यहाँ गई। अब कभी नहीं आऊंगी मैं इस घर में। छोड़ो, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी तुम्हें नाराज होके। मुझे नहीं रहना इस जहन्नुम में, जहाँ सच बोलने वाले को जबान खींचने की धमकी दी जाती है। और आप ही आप मुझे प्लीज मत रोकिएगा, मैं यहाँ पे किसी से बदतमीजी कर दूंगी। ठीक, नहीं रोक रही तुम्हें मैं। सारा मत जाओ प्लीज। अम्मी अबू ने तो पहले ही मेरा साथ छोड़ दिया, तुम भी चली जाओ। Thank you.
मैंने आपका नाम पूछा है। जारा। माशाल्लाह माशाल्लाह, चेहरे के साथ नाम भी बहुत प्यारा है, दोनों बहुत प्यारी हैं। पढ़ती? जी, मैं बीए कर रही हूँ, फाइनल सेमेस्टर है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी लिखी लड़कियां मुझे बहुत पसंद है। माशाल्लाह से इसका बहुत ऊंचे घराने में रिश्ता भी हो गया है। जैसे ही तालीम से फारिग होगी फौरन शादी हो जाएगी इसकी। अच्छा, भाई बड़े नसीब वाले होंगे जिस घर में ये ब्याह की जाएगी। हेलो जुनैद, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? मेरी आवाज को क्या होना है, मैं तो अपनी किस्मत पे रो रही हूँ। संभालो खुद को यार, जब मैंने तुम्हें कह दिया कि तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होगी तो क्यों टेंशन ले रही हो? कैसे संभालूं खुद को, आज तो हमारा रिश्ता तय होना था ना, और तुम्हारी मामा मुझे रिजेक्ट करके चली गई, मुझसे कुछ पूछा नहीं, मुझसे बात तक नहीं की। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं कुछ खा के मर जाऊं। खबरदार खबरदार, जो तुमने ऐसा करने का सोचा भी तो, जब मैं तुम्हें कह चुका हूं हजार बार कि मेरी शादी तुमसे ही होगी तो बस मेरी बात का यकीन करो। और तुम्हारी मामा? मम्मी क्या, सारी दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए ना आकर, तब भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो क्या फिर तुम अपनी मामा को छोड़ दोगे? उनकी फिक्र तुम ना करो, मैंने उनको दो टोक अल्फाजों में समझा दिया है कि अगर मेरी शादी तुमसे ना हुई तो मैं घर छोड़कर चले जाऊंगा। तुम सच कह रहे हो जुनैद? अब तो देख मैं तेरा क्या हशर करती हूँ।